करते हैं गौरेला पिंडरा मरवाही का, जहां से हमारे सहयोगी संतोष नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, गौरेला पिंडरा मरवाही में क्या कुछ विशेष रहने वाला है जो पूरे दिन सुर्खियों में बने रहेगा? शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। जी सारिका जी, पिंडरा मरवाही की तो एक बहुत खबर निकल सामने आ रही है कि नगर पंचायत को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है और नोटिस देकर जवाब मांगा है। दरअसल बात यह है कि 40 वर्ष पहले यहाँ संजय चौक में राधा कृष्ण मंदिर के सामने एक आयुर्वेदिक औषधालय था जिसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था, और वर्ष 2012 में पीआईसी के माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया कि यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर आयुर्वेदिक भवन, आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन वर्तमान जो जिले की नगर की सरकार है, इसने उस प्रस्ताव की पूरी तरह अनदेखी की और दूसरे मंजिल में भी व्यापारिक परिसर का निर्माण करवा दिया। वार्ड नंबर 8 की पार्षद जो है ममता जायसवाल, इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी और उसके माध्यम से आज हाई कोर्ट ने नगर पंचायत गौरेला से जवाब मांगा है कि आखिर इस तरह की अनदेखी क्यों, जब पहले से वहां एक आयुर्वेदिक अस्पताल था। तो फिर और उसमें यह भी बात कही गई थी कि आयुर्वेदिक अस्पताल जो है द्वितीय तल पर बनाया जाएगा, तो फिर इस तरह की अवहेलना क्यों की जा रही है, इस तरह का जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भरी गर्मी, मतलब गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय परिवर्तन किया गया है। जो एक जो पहली पाली में संचालित है वह 7:30 बजे से और 11:30 बजे तक लगाया जाएगा, और जहां पे दो पालियां लगती हैं तो पहली पाली 7:30 से 11:30 और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की जो है 11:30 से 4:30 बजे तक लगाई जाएगी। जी सारिका जी बिल्कुल संतोष, इसके अलावा बात करेंगे आपराधिक गतिविधियों की, तो किस प्रकार के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था गौरेला पिंडरा मरवाही में बनी हुई है, इस पर जानकारी लेंगे आपसे। देखिए आपराधिक घटनाओं की अगर बात करें तो पंप चोरों का एक गिरोह पुलिस की पकड़ में आया है। पिंडरा और कोटमी पुलिस की यह संयुक्त कार्यवाही थी। कई लोगों से यह शिकायत आ रही थी, लिखित में भी शिकायत आ रही थी कि उनके खेतों से संबरसेल जो पंप होते हैं उनकी लगातार चोरी हो रही है। तो इसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। इनमें से करीब 9 सबमर्सियल पंपों को जब्त किया गया है जिसकी कीमत जो है पुलिस विभाग के अनुसार 1,92,000 रुपए की बताई जा रही है। तो इस तरह से पुलिस की प्रक्रिया काफी सख्त है और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ, लेकिन कबाड़ के धंधों पर जो कबाड़ी काम कर रहे हैं, जो जिनके पास लाइसेंस है या नहीं है, पुलिस यह भी देखना उचित नहीं समझती है, और इस तरह के जो कारोबार है उस पर लगाम पुलिस नहीं लगा पा रही है। जी सारिका जी बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गौरेला पिंडरा मरवाही से तमाम बड़ी खबरें जो आज दिनभर सुर्खियों में बनी रहने वाली है, जहां मौसम को देखते हुए अब स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। गर्मी पड़ने से बच्चों को होने वाली असुविधाओं से बचाने के लिए स्कूल प्रशासन ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया है। आपको बता दें इसके अलावा अपराध जगत की खबरों की बात करें तो गौरेला पिंडरा मरवाही में पुलिस प्रशासन की सुगम व्यवस्था बनी हुई है। लगातार चोरों पर और चोरी करने वालों पर लगातार कार्रवाई पुलिस कर